हेलो किड्स एंड ऑल ऑफ यू, मैं सेकेंड चैप्टर लेकर आई हूँ आज. इससे पहले हमने जैक एंड द बीनस्टॉक चैप्टर पढ़ाया था, और आज मैं सेकेंड चैप्टर लेकर आई हूँ, द पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन. तो चलिए इस चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं हम. द पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन, यानी हैमलिन की एक छोटे से एक टाउन है, उनके बारे में स्टोरी है, जो कि रैट से बहुत लोग परेशान रहते थे वहाँ से, तो कैसे वहाँ से गेट रिड होते हैं उन लोग वहाँ चूहों से, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. देखिए, द पीपल लिविंग इन द स्मॉल टाउन ऑफ हैमलिन हैड अ वेरी बिग प्रॉब्लम. हैमलिन के एक छोटे से शहर के शहर में रहने वाले लोग के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी समस्या थी. दे वर सराउंडेड बाय रैट्स एवरीवेयर. वे चूहे यानी हर जगह चूहों से घिरे हुए थे, सराउंडेड थे. देखिए यहाँ पे चूहे कैसे सभी के घरों में, खिड़कियों पर, सामानों पर, और ये दुकानों में सभी परेशान रहा करते थे वहाँ हैमलिन टाउन के नगरवासी. द एंग्री फॉग मार्च डाउन टू द टाउन हॉल टू मीट द मेयर. जो मेयर से मिलने के लिए टाउन हॉल तक मार्च डाउन किया उन्होंने, यानी कि वहाँ तक गए गुस्से लोग, यानी एंग्री फॉग थे वहाँ के. फॉग का मतलब होता है लोग. तो हैमलिन टाउन के जो लोग रहते थे, नगरवासी रहते थे, वो बहुत गुस्सा रहते थे. क्यों रहते थे? क्योंकि वहाँ के उन्होंने क्योंकि वो हर जगह सामानों में, दुकानों में, घरों में, हर जगह वो सामानों पर क्या हो जाते थे, चूहे घुस जाते थे, और वो बहुत गुस्से हो जाते थे वहाँ के लोग. इसलिए उन्होंने मेयर से मिलने का निश्चय किया और टाउन हॉल तक वो मार्च डाउन किए. यू मस्ट फाइंड अ सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम, दे डिमांडेड. उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने उस वहाँ के रहने वाले लोग या नगरवासी जो लोग थे, उन्होंने क्या डिमांड किया कि यू मस्ट फाइंड अ सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम. आपको हमारी समस्या का समाधान खोजना चाहिए, यानी आपको हमारी समस्या का समाधान खोजना चाहिए. देखिए वहाँ के सारे लोग जो गए हैं मेयर से मिलने के लिए, ये है मेयर. द मेयर अनाउंस्ड, आई प्रॉमिस टू गिव अ ह्यूज रिवॉर्ड टू एनी वन हु कैन गेट रिड ऑफ द रैट्स. ठीक है, तो मेयर ने क्या अनाउंस किया, मेयर ने क्या घोषणा किया कि आई प्रॉमिस टू गिव अ ह्यूज रिवॉर्ड. मैं एक बड़ा इनाम दूंगा, मैं एक बड़ा इनाम दूंगा जो रैट से छुटकारा दिला सकता है. मैं उन लोगों को दूंगा, यानी किसी को दूंगा जो मुझे छुटकारा दिला सकता है. ठीक है, तो आई प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस किया, वो उसने ये वादा किया. ठीक है, वहाँ के लोगों से उनसे उसने वादा किया कि हम देंगे ये. तो इनाम देने का वादा किया. सडनली अ मिस्टीरियस स्ट्रेंजर एंटर द हॉल एंड सेड, आई कैन गेट रिड ऑफ ऑल द रैट्स इन हैमलिन इफ़ यू पे मी 50 गोल्ड कॉइन. 50 गोल्ड कॉइन यानी कि उसने क्या प्रॉमिस किया था, 50 गोल्ड कॉइन पे करने का. ठीक है, तो देखिए एक स्ट्रेंजर, तो यहाँ पे लिखा सडनली, सडनली अचानक से क्या हुआ, एक रहस्यमय स्ट्रेंजर एंटर किया हॉल में, यानी एक रहस्यमय यानी बहुत ही अजीब अजीब टाइप का जो एक अजनबी था वो प्रवेश किया हॉल में और कहा, क्या कहा, आई कैन गेट रिड ऑफ ऑल द रैट्स इन हैमलिन इफ़ यू पे मी 50 गोल्ड कॉइन्स. अगर तुम मुझे 50, देखिए ये जो वर्ड है लिखा हुआ 50 गोल्ड कॉइन, ये किसने कहा था, उस रहस्यमय स्ट्रेंजर ने कहा था कि अगर आप मुझे दोगे, मुझे 50 गोल्ड कॉइन दोगे, तो मैं छुटकारा दिला सकता हूँ हैमलिन के जो जितने भी चूहे हैं सभी रैट्स को गेट रिड करने का, यानी कि छुटकारा दिलाने का मैं जो हूँ ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके बदले 50 गोल्ड कॉइन चाहिए. ऐसा उसने कहा. किसने कहा? तो ये जो स्ट्रेंजर थे उसने कहा. देख रहे हैं स्ट्रेंजर कुछ ऐसे हैं, देख रहे हैं, टोपी लगाई है, इनके ऊपर एक पंख लगा है, और उनका ड्रेस भी देखिए बहुत ही अजीब टाइप का है. ठीक है, तो यही है स्ट्रेंजर. ओनली आफ्टर यू गेट रिड ऑफ सिंग एवरी सिंगल रैट, सेड द मेयर आफ्टर मच थॉट. मच थॉट यानी कि बहुत सोचने के बाद मेयर ने क्या कहा कि केवल तभी, बहुत सोचने के बाद मेयर ने कहा, केवल तभी जब आप एक एक चूहों से छुटकारा पा लेंगे, यानी केवल तभी जब आप हर एक चूहों से छुटकारा पा लेंगे, फिर उसके बाद जो है मैं तुम्हें ये इनाम दूंगा. ठीक है,
द पाइपर स्टार्टेड प्लेइंग अ स्ट्रेंज ट्यून. चलिए तो पाइपर ने स्टार्ट कर दिया प्लेइंग करना एक स्ट्रेंज ट्यून, एक अजीब ट्यून, ठीक है, एक अजीब धुन शुरू कर दिया बजाना. और एंड सडनली ऑल द रैट्स केम टम्बलिंग आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेसेस. और अचानक से क्या हुआ, जब उसने शुरू कर दिया बजाना, ठीक है, तो अचानक सभी चूहे अपने हाइडिंग प्लेसेस से, यानी जो मतलब हाइडिंग छुपे हुए जगह से, जो यहाँ भी छुपे हुए थे चूहे, वहाँ से लड़खड़ाते हुए, टम्बलिंग करते हुए, यानी कि लड़खड़ाते हुए जो है बाहर आ गए. केम आउट, केम आउट का मतलब होता है बाहर आ जाना. ऑल द रेट्स केम आउट, बाहर आ गए हाइडिंग प्लेसेस से. इट वॉज क्विट अ बिजार साइट टू सी द रैट्स फॉलोइंग द पाइपर थ्रू द स्ट्रीट ऑफ हैम्बलिन. देखिए स्ट्रीट ऑफ हैम्बलिन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्विट. क्विट का मतलब होता है, क्विट का मतलब होता है बहुत, काफ़ी, ठीक है, अधिक, इसके लिए यूज़ करते हैं. बिजार का मतलब होता है विचित्र, यानी कि अलग, ठीक है, विचित्र. तो ये बहुत ही मतलब विचित्र दृश्य था, ठीक है, ये विचित्र दृश्य था. क्या देखकर विचित्र दृश्य उनको लगा, तो हैम्बलिन के गलियों में, यानी कि हैम्बलिन के सड़कों पर जो पाइपर के पीछा करते हुए, रैट्स का पीछा करना, यानी चूहों का पीछा करना देखना, उसके पीछा करना देखना, ये बहुत ही अजीब विचित्र था. देखिए देखिए फिगर में देख रहे हैं, उनके पीछे पीछे सब, जैसे ये स्ट्रेंज ट्यून बजाते हैं, वैसे ही पीछे पीछे सारे रैट्स जितने भी हाइडिंग प्लेसेस पे छुपे हुए रहते हैं, वो सारे रैट्स जो हैं उनके पीछे पीछे जाते हैं. देखिए द पाइपर लेड देम टू अ वाटरफॉल एंड चेंज द ट्यून. पाइपर जो क्या किया उसने, ये पाइपर उन्हें झरने के पास ले गया, ठीक है, सारे चूहों को किसके पास ले गया, झरने के पास ले गया. एंड चेंज द ट्यून, और अपनी धुन क्या कर दी उसने, बदल दी. सडनली ऑल द रैट्स जम्प्ड इनटू द वाटर एंड ड्रॉन्ड. अचानक से क्या हुआ, सारे चूहे जो हैं जंप कर दिए, यानी कि पानी में कूद पड़े, और ड्रॉन्ड और डूब गए, सारे चूहे जो हैं डूब गए. द टाउन्स पीपल वर वेरी हैप्पी, द टाउन्स पीपल वर वेरी हैप्पी टू बी रिड ऑफ द पेस्की रैट. पेस्की रैट का मतलब होता है तंग करने वाला या परेशान करने वाला चूहा. यानी नगरवासी तो जो थे, हैम्बलिन टाउन के जो नगरवासी थे, बहुत खुश थे. क्यों बहुत खुश थे, क्योंकि वो जो परेशान करने वाले जो चूहे थे, उससे रिड होकर, यानी कि छुटकारा देखकर, उन्होंने बहुत वो हैप्पी हो गए, ठीक है, बहुत खुश हो गए. द पाइपर रिटर्न टू द टाउन हॉल टू कलेक्ट हिज रिवॉर्ड. द पाइपर रिटर्न टू द टाउन हॉल टू कलेक्ट हिज रिवॉर्ड, बट द मेयर रिफ्यूज्ड. देखिए जब पाइपर वापस आया, ठीक है, अपना रिवॉर्ड लेने के लिए, जब पाइपर वापस आया, यानी कि रिटर्न हुआ टाउन हॉल, हैम्बलिन टाउन हॉल वापस आया, तो अपना रिवॉर्ड लेने के लिए, लेकिन मेयर ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, ठीक है. उसके बाद देखिए, इट वॉज सच एन ईजी टास्क, फाइव गोल्ड क्वाइंस शुड बी इनफ, सेड द स्लाई. स्लाई का मतलब होता है धूर्त, कायर, मतलब कायर नहीं, सॉरी, धूर्त, जैसे कि अंदर से बहुत कठोर था, धूर्त था, मक्कार था, ठीक है, कुटिल था. तो ये मेयर जो था बहुत ही धूर्त मेयर था, ठीक है. तो इसने क्या किया, इट वॉज सच एन ईजी टास्क, यह बहुत आसान काम है, ऐसा इसने कहा कि यह बहुत आसान काम है. फाइव गोल्ड क्वाइंस शुड बी इनफ, ठीक है, पांच सोने के सिक्के जो है ना, पांच सोने के सिक्के काफ़ी होंगे, इनफ होंगे, इस सेड द स्लाई मेयर. ऐसा किसने कहा, धूर्त मेयर ने कहा, ऐसा इसने धूर्त मेयर ने कहा. यू प्रॉमिस्ड मी 50, पे मी, और ऑल ऑफ हैम्बलिन विल रिग्रेट इट. यू प्रॉमिस्ड मी 50, तो उसने क्या बोला, यू प्रॉमिस मी 50. तो पाइपर ने कहा, क्या कहा पाइपर ने, सेड द पाइपर, बट द मेयर स्टिल रिफ्यूज्ड. पाइपर ने क्या कहा कि आपने मुझसे 50 का वादा किया, आपने मुझसे कितना का वादा किया, 50 का वादा किया था मुझे, तो मुझे भुगतान कीजिए, पे मी, मुझे भुगतान कीजिए, और ऑल ऑफ हैम्बलिन विल रिग्रेट इट, मुझे भुगतान कीजिए, अन्यथा, नहीं तो क्या होगा, हैम्बलिन के सभी लोग, जो हैम्बलिन थे वहाँ के सभी लोग जो हैं, इट रिग्रेट, पछताएंगे, ठीक है. लेकिन
ऐसा किसने कहा? सेड द मेयर, मेयर ने कहा, सॉरी पाइपर ने कहा। बट द मेयर स्टिल रिफ्यूज्ड, लेकिन जो मेयर था फिर भी मना कर दिया, फिर भी क्या कर दिया उसने, इनकार कर दिया। द पाइपर वॉक्ड आउट एंड प्लेड अ डिफरेंट ट्यून दिस टाइम। पाइपर क्या हुआ? द पाइपर वॉक्ड आउट एंड प्लेड अ डिफरेंट ट्यून दिस टाइम। तो पाइपर बाहर चला गया, ठीक है, वॉकड आउट का मतलब होता है बाहर चले जाना, तो पाइपर बाहर चला गया और इस बार, इस दिस टाइम, इस बार उसने उसने एक क्या की, अलग धुन बजाई, ठीक है, डिफरेंट ट्यून बजाई। ये जो पाइपर था बाहर चला गया और इस बार उसने क्या की, प्लेड की एक डिफरेंट ट्यून, दिस टाइम, इस बार दूसरा धुन बजाया उसने। सडनली ऑल द रैट्स ऑफ द टाउन पॉड आउट ऑन टू द स्ट्रीट्स, ठीक है, सडनली ऑल द रैट, ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ द टाउन पॉड आउट ऑन टू द स्ट्रीट्स। अचानक से क्या हुआ, शहर के सभी बच्चे, यानी कि जो शहर के सारे बच्चे थे, सारे बच्चे जो है सड़कों पर निकल पड़े, ठीक है, सड़कों पर निकल पड़े, यानी टाउन में जो है, टाउन के सड़कों पर निकल पड़े, स्ट्रीट्स पर, पॉड आउट यानी कि बाहर निकलना, ठीक है, पॉड आउट का मतलब होता है बाहर निकल जाना। दे स्टार्टेड फॉलोइंग द पाइपर एज इफ हाइपनोटाइज्ड, हाइपनोटाइज का मतलब मंत्रमुग्ध, ठीक है, मंत्रमुग्ध। तो वे क्या किए, वे जो थे वे पाइपर का पीछा करने लगे, वे लोग जो थे पाइपर का पीछा करने लगे, सारे बच्चे जो है वहाँ के पाइपर का पीछा करने लगे, जैसे मानो कि वे सम्मोहित हो गए हो, मंत्रमुग्ध बोलो या सम्मोहित बोलो, यानी मतलब उनका जो पूरा मतलब वो लोग जो है पूरा मन लग गया था बच्चों को, उनका ट्यून उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, और इसलिए उसने पीछे 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 वो पाइपर के पीछे जा रहे थे वो ट्यून सुनकर। ट्राई एज दे माइट द पीपल कुडंट स्टॉप दियर चिल्ड्रेन, ट्राई एज दे माइट, तो इसलिए वो पाइपर के पीछे पीछे गया, ठीक है, और मंत्रमुग्ध हो गया वो बच्चे सारे। तो चाहे जितनी कोशिश कर लो, ठीक है, यहाँ लिखा है चाहे, यहाँ एज का मतलब चाहे, चाहे जितनी कोशिश कर लो, लोग अपने बच्चों को, लोग जो है अपने सारे अपने बच्चों को रोक नहीं सके, मतलब बच्चे इतने विलीन हो गए ट्यून में कि उनके पीछे पीछे जो पाइपर के पीछे देख रहे हैं फिगर में, देखिए आप लोग देखिए ये ट्यून बजा रहा है, सारे बच्चे जो हैं उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो ये बच्चे इतने सम्मोहित हो गए, इतने हाइपनोटाइज्ड हो गए कि वे जो हैं वो पीपल जो हैं अपने बच्चे को रोक नहीं पाए, यानी अपने बच्चे को रोक नहीं सके। उसके बाद क्या होते हैं, द पाइड पाइपर एंड द चिल्ड्रन डिसअपीयर्ड इनसाइड अ केव एट द एज ऑफ एंड द एज ऑफ द फॉरेस्ट एंड वर नेवर सीन अगेन, नेवर सीन अगेन। तो द पाइड पाइपर, यानी कि जो पाइड पाइपर और बच्चे डिसअपीयर्ड हो गए केव में एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट एंड वर नेवर सीन अगेन। तो दोनों क्या हुआ फिर, मतलब बच्चे और पाइड पाइपर थे जंगल के किनारे, ठीक है, जंगल के किनारे, यानी कि जंगल के किनारे गुफा के अंदर जाकर, गुफा के अंदर वे लोग क्या हो गए, डिसअपीयर्ड हो गए, गायब हो गए, और फिर क्या हुआ, वे कभी नहीं दिखे, नेवर सीन अगेन, फिर वे कभी नहीं दिखे, ठीक है। तो स्टोरी में आप लोगों को समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, एक चूहों को भगाने के बारे में स्टोरी थी, जो कि हैमलिन टाउन थी, हैमलिन टाउन छोटे से एक शहर रहती है और वहाँ के लोग चूहों से बहुत परेशान रहते हैं, तो उससे गेट रिड होने के लिए उन्होंने स्ट्रेंजर एक आता है, मिस्टीरियस स्ट्रेंज मैन आता है, और वो जो है चूहों से छुटकारा तो दिला देते हैं, लेकिन बच्चे भी जो है उनमें विलीन हो जाते हैं उनके ट्यून से, ठीक है। तो ये स्टोरी है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, क्या मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे लाइक चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू।